Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about Law of Supply. अगर आपको जानना है supply क्या है, stock क्या है, total output क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा playlist में और previous videos को check करना होगा. लेकिन आज का जो हमारा topic है वो है Law of Supply. तो सबसे पहले देखते हैं introduction part. The Law of Supply is also a fundamental principle of economic theory like the Law of Demand. क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई भी अल्फर्ड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया है, जो कि पब्लिश की गई थी 1890 में. द लॉ एक्सप्लेन दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. लॉ ऑफ सप्लाई भी प्राइस और क्वांटिटी के साथ ही बात करता है. इट मीन्स इट टेल दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर विल बी द क्वांटिटी सप्लाई. सीधी सीधी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगा. लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये पूरा अपोजिट चलता है डिमांड के हिसाब से. अगर आपने डिमांड पढ़ा है तो आपको सप्लाई समझना आसान हो जाता है. सो इट टेल दैट कि एज द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज एंड इफ प्राइज इज डिक्रीजिंग supply is also decreasing. In simple word, we can say that other factor remaining the constant, if the price is increasing, supply is also increasing. लेकिन उसके लिए एक symbolical representation है जो कि बताया गया है Sx is equals to F multiplied by Px, जहाँ पर S का मतलब है supply, X का मतलब है commodity, F means function and P means price of the commodity. सो लेट्स सी द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कॉन्स्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर यह माना गया है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है. इट मीन्स जो भी खर्चा लग रहा है उसका जो कॉस्ट है वो सेम चल रहा है. अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इफेक्ट द प्रॉफिट. अगर हम देखेंगे कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो हम सप्लाई करेंगे वो डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा. क्योंकि जो चीज़ जितनी बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट अगर बढ़ता चला जाएगा तो हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, इट मीन्स सप्लाई विल डिक्रीज. इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड टॉपिक दैट इज कॉन्स्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निक में भी कोई चेंज नहीं है. क्योंकि अगर हमने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ की, इट मे लीड द प्रोडक्शन में इंक्रीज. अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा. इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही. थर्ड एजम्पशन सेज दैट नो चेंज इन वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं है. इट मीन्स अगर अच्छी कंडीशन है, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, तो हमारा प्रोडक्शन सेम होने वाला है. लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक आ जाता है, तो प्रोडक्शन कम होने के चांसेस हैं. इट मीन्स सप्लाई विल डिक्रीज. नेक्स्ट टॉपिक सेज दैट नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी कोई चेंज नहीं है. इट मीन्स टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी सब सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा. नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट देर इज़ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इट इज़ एज्यूम दैट देर इज़ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड देयर कॉस्ट. मतलब जैसा कॉस्ट, जो खर्चा, जो भाड़ा हम पहले दे रहे थे, आज भी उतना ही हम दे रहे हैं. अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज होता है तो यहाँ पर सप्लाई में भी फ़र्क पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट सेज दस प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट. अदर गुड्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो कमोडिटीज़ जो हैं वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सप्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री क्या है, इसके लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर अदर गुड्स का मतलब क्या बताना चाह रहा है. अगर अगर हमारे गुड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इफ़ दे चेंज, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री गुड्स अगर चेंज हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई भी चेंज हो जाएगा. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. मतलब हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाले हैं या नहीं. क्योंकि अगर हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस अगर बढ़ने वाले हैं, तो आज का जो सप्लाई है हम कम कर देंगे,
क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम सप्लाई करेंगे, ये सोचकर हम प्रेजेंट के टाइम पे सप्लाई कम कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। आइए देखते हैं टेबल, जहाँ से आपको ईजिली समझ में आएगा कि सप्लाई किस तरीके से किया जाता है। वेन द प्राइजेस रुपीज 10, तो सप्लाई कितना था 100। वेन द प्राइज इज 20, सप्लाई बिकम 200। इट मीन्स एज द प्राइज इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। हालांकि अगर हम डिमांड देखते हैं तो डिमांड में होता है एज द प्राइज इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिमांड और सप्लाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन इस टेबल को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक शेड्यूल के साथ एक ग्राफ भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने क्या किया है। दो एक्सेस लिए हैं, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे हमने प्राइस ली है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ली है। जब प्राइस 10 थी क्वांटिटी 100 थी, हमने डॉट बनाया। जब प्राइस 20 थी तब क्वांटिटी 200 थी, इतना हमने सप्लाई किया। इस तरीके से 30 पे 300। तो जब हमने सारे पॉइंट्स को जोड़ लिया तो हमें एक कर्व मिलता है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व, जो अपवर्ड गोइंग कर्व है, ये डाउनवर्ड गोइंग कर्व नहीं है। डिमांड में होता है डाउनवर्ड गोइंग कर्व और सप्लाई में जाता है अपवर्ड गोइंग कर्व, लेकिन दोनों ही कर्व स्टार्टिंग होते हैं लेफ्ट से और जाते हैं राइट की तरफ। इट मीन्स दे आर द अपवर्ड गोइंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है हमारा सप्लाई का एसएस कर्व। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारा सप्लाई कर्व कैसा जाता है। सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। और इनका रिलेशनशिप कैसा रहता है, रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट, दैट इज़ बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।